राज्य स्तरीय विशेष वैद्यकीय मदद कक्ष और स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके स्मृति सेवा संस्था के संयुक्त तत्वावधान में 24 सितंबर से भव्य एडवांस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके तहत शहर के कई जगहों पर ओपीडी की व्यवस्था की गई है और इन शिविरों में हजारों की संख्या में लोग जो है स्वास्थ्य चिकित्सा का लाभ ले रहे हैं। इस शिविर में किन चीजों की जांच होगी, कौन कौन से ऑपरेशन का लाभ लोगों को मिलेगा, आइए जानते हैं आयोजकों से। नमस्कार, मैं सचिन प्रकाश राव नाईक, वार्ड क्रमांक वार्ड महल का प्रभाग 18 का अध्यक्ष हूँ। ये जो कैंप चले अटल योजना अटल आरोग्य शिविर के नाम से, हम पिछले साल भी यही कार्यक्रम किया था, उसमें मध्य नागपुर में 12 ओपीडी लगाई गई थी, 12 उधर यानी सेंटर सीए रोड के उधर और 12 सेंटर यानी सीए रोड के इधर, ऐसी 24 ओपीडी हमने पिछली बार की थी। नियर अबाउट 30,000 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया था। इस बार भी राज्य स्तरीय वैद्यकीय मदद केंद्र करके जो राज्य सरकार की योजना चालू है, उसके साथ हमारी संस्था स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके सेवा संस्थान के कोलैबोरेशन से ये कार्यक्रम चालू है। पिछली बार 24 ओपीडी हुई थी, इस बार 12 ओपीडी है, 6 सीए रोड के उधर है और 6 सीए रोड के इधर है। अभी तक में ये जो हमारा उद्देश्य इतना ही है कि सभी जो अभी सबसे बड़ी समस्या है वो आरोग्य विषय है, इसमें सभी लोगों को यहाँ पर बुलाना है, उनका प्राइमरी चेकअप यहाँ पर करेंगे, डॉक्टर जैसे रेफर करेंगे, किसी को एमआरआई करना है, किसी का शस्त्रक्रिया करना है, तो उसके हिसाब से बाइफर्केशन करके हम 100 में से 100 लोगों का नहीं पर निश्चित प्रमाण से सभी लोगों को अच्छी आरोग्य सेवा प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पे मधुमेह है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसके बाद में पेट का है, आँख का है, उसी प्रकार से सभी प्रकार की ब्लड की जो रिपोर्ट आई है यानी ब्लड का ये है, और उसके साथ में भी जो बड़ी शस्त्रक्रिया का भी है, आँख के ऑपरेशन वगैरह तो नॉर्मल है पर किसी को हिप नी रिप्लेसमेंट भी होगा या फिर हार्ट के भी इशू होंगे तो वो भी करने का हम प्रयत्न करने वाले हैं। ये अभी 3 दिन से चालू है और 1 दिन एक्सटेंड होने वाला है इसका, ये 28 तारीख तक के रहेंगे। अभी तक के कल यहाँ पे हुए थे 350-700 लोग यहाँ पे है, ऐसी 12 ओपीडी है, लगभग हर ओपीडी में 1,000 के आसपास का आंकड़ा है, 12,000 लोगों ने कल तक के लाभ लिया हुआ है। यहाँ पे माननीय आमदार प्रवीण दटके, विकास कुमार इनका है और विशेष उपस्थिति के इसमें फडणवीस साहब का पूरा कर दिए चालू है। टोटल 12 ओपीडीज के माध्यम से अब तक 12,000 लोगों ने अपने स्वास्थ्य का यहाँ पर चेकअप किया है और माननीय नितिन जी गडकरी, देवेंद्र जी फडणवीस, आमदार प्रवीण जी डटके, विकास जी कुंभारे, इनके सहयोग से महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से यह पूरा आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और लोग भी काफ़ी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस पूरा जो आयोजन है, इसकी विशेषता ये है कि जिसको भी चाहे कितना भी बड़ा रोग, अगर ईश्वर नगर किसी को कोई बड़ा ये यहाँ डिटेक्ट हो, पर अगर किसी का होता है तो उसका सभी खर्चा स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके सेवा संस्थान के माध्यम से उस रोगी को करने का वचन दिया गया है। जो भी जितना भी खर्चे का उसका इलाज हो यहाँ पर से निःशुल्क किया जाएगा और आने वाले दिनों में जो भी डॉक्टर यहाँ पर उनको रेफर करेंगे, जिस किसी भी चीज़ के लिए, चाहे MRI हो, CT स्कैन हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो या भी रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ये सभी तरह का अगर कोई यहाँ पर पेशेंट डिटेक्ट होता है तो उसका यहाँ पर उपचार करने की पूरी व्यवस्था की गई है और आने वाले दिनों में भी इसी के एक एडवांस वर्जन पे भी काम किया जाएगा, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भाई आज जो शिविर हुआ है उससे भी एडवांस तौर का शिविर लेने का भी हमारा प्रयास सेवा संस्थान के माध्यम से यहाँ पर रहने वाला। पांडे, ये अपना रामजीवन जी चौधरी डॉक्टर क्रीड़ा संकुल, यहाँ पे महाराष्ट्र शासन के तरफ से एक बहुत बड़ा शिविर लगा है, आरोग्य शिविर स्वर्गीय प्रभाकर राव जी दटके स्मृति प्रीत्यर्थ, 24-25-26 आज का दूसरा दिन है। कल बारिश में भी यहाँ पे जिस प्रकार से नागरिक आए हैं और उन्होंने विविध प्रकार का यहाँ पे जो संसाधनों का प्रयोग किया है, BP से लेके, शुगर से लेके, हार्ट से लेके, कमर से लेके और आखिर चश्मे का भी जो कुछ उनका नंबर्स है, उसके चश्मे भी यहाँ पे निःशुल्क स्तर पे वितरित किए गए हैं। उसके बाद में पूरा ब्लड का जो सैंपल है, वो ब्लड का सैंपल का पूरे तरीके से उनका थायराइड से लेके HbA1 और जो टेस्ट होती है उसके ब्लड की, वो सभी टेस्ट का रिपोर्ट भी उनको मिलने वाला है, ताकि उनका जो जीवन है, अपना जो जीवन रहता है, जीवन का एक क्षण रहता है कि अपना आयु आरोग्य सुचारू रूप से और अच्छा चलना चाहिए, जीवन अपना व्यवस्थित चलना चाहिए और स्लम एरिया के अंतर्गत यहाँ पे अपना ये हेल्थ चेकअप कैंप है, आयु आरोग्य अच्छा रहना चाहिए, इस दृष्टिकोण से महाराष्ट्र शासन ने एक उपक्रम लिया है स्वर्गीय प्रभाकर राव दटके स्मृति प्रीत्यर्थ। कारण इसके लिए विलास पराती की रिपोर्ट।
नमस्ते। देखो हम आदिवासी है, हम कर्नाटका मैसूर से हम आदिवासी होते हैं। हम जंगल में जाको एक सौ आठ जड़ी बूटी लगा को और हाथों से तेल बनाने होते हैं सर। ये तेल लगाने से अपने दिन में 10 बाल 15 बाल झड़ रहे हैं ना, 5-6 दिन में बाल झड़ना टूटना रुकावट करेगा। इधर से झड़ गया ना उधर से नया बाल उगता है, नया बाल उगता है, गंजापन हो गया, गंजापन के नया बाल उगता है। माथे में डेंड्रोफ, खुजली, दूसरी कोंडा कुछ भी रहते थे, 5 दिन में हट जाएगा सर, हट जाते हैं। इसी तरह 108 जड़ी बूटी हम डालते हैं, यही तेल बनाने का तेल होता है। ये हमारा तेल ओरिजिनल आदिवासी का तेल चाहिए तो महाराष्ट्र में आपको चाहिए तो मिलता है। महाराष्ट्र में हमारा ब्रांड तेल का शॉप का नाम है ओनली सुन्नू एंटरप्राइज, उधर जाकर खरीद सकते हैं, ओरिजिनल तेल उधर ही मिलता है। कर्नाटक के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं।